बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को वेलकम करूँ, और इसलिए आप लोगों के लिए ये बेसिकली एक जो है ना हमने रिखवाई हुई है सारी एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि आप लोगों को जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे गेस्ट हैं, हमारे जितने भी यहाँ पर बच्चे जिन्होंने मतलब पास आउट हुए, उन्होंने 2 महीने एक्सटेंसिवली काम किया, और काम करके उन्होंने यहाँ पर जो है वो अपना 8 घंटे यहाँ पर डेली देते थे माशाल्लाह की, मतलब हमारे लीड ट्रेनर्स की, हमारे इंस्ट्रक्टर्स की, हमारे लैब ट्रेनर्स की, सबकी बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत थी। और डे बाय डे उन्होंने इसके ऊपर, जब वेरी फर्स्ट डे मेरे पास अली भाई आए, उन्होंने मुझे बताया इस प्रोजेक्ट के बारे में कि हम ये कोहर्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि बच्चों को वाकई में डिलीवर किया जाए, क्योंकि इनका भी अपना भी एक विजन था कि मतलब डिलीवर होना चाहिए। तो इनकी, क्योंकि मेरे साथ पहली इंट्रैक्शन थी, हम कोई पर्सनली तौर पे पहले दूसरे को नहीं जानते थे, ना इनके दोस्त थे। हाँ, ये मेरे बड़े भाइयों की तरह ज़रूर हैं, इससे सीखे हमने इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए, कॉर्पोरेट में जैसे हम मिलते हैं, लेकिन मेरी कभी फिजिकल इंट्रैक्शन उस तरह नहीं थी। तो इन्होंने मुझे कहा जी कि इस तरह करना चाह रहे हैं आप, तो एक इनकी सबसे अच्छी बात ये कि ट्रस्ट करते हैं, तो इन्होंने ट्रस्ट किया मुझ पर, और इन्होंने मुझे कहा जी कि इस तरीके से हम ये चीज़ें लेके चलना चाहते हैं, तो आप हमें बताएं किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने यकीन दिलाया, अपने सेटअप के बारे में दिखाया कि बीएनवी ट्रेनिंग माशाल्लाह पाकिस्तान का रिनॉन्ड ब्रांड है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रेजिडेंट या अवार्ड भी अचीव कर चुके हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक फोर्स है, एक एनर्जी है, एक सेटअप है, एक क्वालिटी है, तो हम आपको इंशाल्लाह डिलीवर करके दिखाएंगे। तो फिर हमने इस अज़म के साथ, हमारे लिए एक प्रोजेक्ट एक चैलेंज भी था, और दूसरा बच्चों के लिए हमारे लिए एक अज़म था कि ये जो 150 का हमें जो बेसिकली स्टार्ट में हमें 50 स्टूडेंट मिले थे, लेकिन फिर बाद में 150 हो गए, तो हमने 3 कोहर्ट की शक्ल में आप लोगों को ट्रेन किया। और वेरी फर्स्ट डे से मैं ओरिएंटेशन में आप सबसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, और बीच में भी मैं आप लोगों के साथ सेशंस करता रहता था, कि मैं चाहता था कि आप लोगों को मतलब जो है वैल्यूएट करूँ कि हमारे लीड ट्रेनर्स काम करें, आपके मसलों को सुने। इस तरीके से फिर आप लोगों को हम लेकर चले, और स्टूडेंट्स को इनकरेज किया, और दिन रात मैं इसमें अपनी मैनेजमेंट की टीम को भी दाद देना चाहूँगा, जिसमें हसन हमारे इंस्ट्रक्टर इमरान साहब, असलान और सलीम जो लैब, तलहा, इस तरह कई लोगों के तो मुझे नाम नहीं पता, तो उन सबको भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बादल हो गए, मिस माहम हो गई, मिस आयशा हो गई जिन्होंने प्रोडक्शन की टीम को देखा, मिस माहम जो सॉफ्ट स्किल्स को देख रही थी, तो हम सब ने, सुलेमान जो मेरे पार्टनर हैं, इनकी बड़ी इसमें काबज रही है, मिस मसूमा, इन्होंने हमें बहुत गाइड किया, आपकी गाइडेंस हमें बहुत ज़्यादा मिली है आपकी टीम की, तो हमने मिल के ये समझ लें, ये PNY को क्रेडिट नहीं जाता, ये जिस पूरे एंटिटी को जाता है उसमें अली भाई और मिस मसूमा है, मैं चाहता हूँ कि क्लैपिंग होनी चाहिए आपकी, और इंडस्ट्री को हम देखें इसी तरीके से सर्व किया जाता है। मैं शॉर्ट सी एक मैं नॉलेज आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं आप लोगों को कोई थ्योरी की बात करूँ, मैं एक कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। चलिए, अच्छा, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, वैसे फ्रेंकली मैं बताऊँ, मैं तो डेवलपर हूँ ही नहीं, मुझे कोडिंग का कुछ नहीं पता, मैं कोडर नहीं हूँ, आमा टॉक की मार्केटिंग का है, मेरी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में है, मेरी समझ लें कि जो उसके बाद जो मेरी लाइन है वो डिजिटल मार्केटिंग की है, तो मैं टोटली प्योर मार्केटिंग और सेल्स का बंदा हूँ, तो कोडिंग मैंने ना तो कभी पढ़ी है, ना ही मेरा सीएस बैकग्राउंड है, लेकिन बहरहाल क्योंकि जब आप सिस्टम में शामिल होते हैं तो आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, तो जब आप सीखते हैं तो फिर आप इस तरह सीखते भी जाते हैं। तो मैंने भी बस जो मेरे सामने, क्योंकि IT के लोग बैठे हुए, तो मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि भाई को गलती हो जाए तो मुझे करेक्ट कर देते, क्योंकि मैं मार्केटर हूँ, मैं कोडर नहीं हूँ। देखा जाए तो स्टैट्स के हवाले से US की मार्केट इस वक्त सबसे टॉप में है, वो लोग भाईजान जो सीने पे ऐसे ऐसे हाथ रख के, उसका मैं सुन रहा था कल उसको, बाइडन को वो ऐसे ऐसे मार रहा था रोस्टर के ऊपर, और कह रहा था कि वी आर पावर, वी आर सुपर पावर, वी हैव अ बेस्ट इकोनॉमी, वी हैव अ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऐसे नहीं कह रहा था यार, वो वाकई है, वो वाकई सुपर पावर है, मतलब एक 80 साल का बाबा ऐसे नहीं बोल रहा जाके रोस्टर पे जाके, वो वाकई सुपर पावर है। तो इस वक्त रूलर वाइब वही है, और अगर देखा जाए तो इस टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा जो बूस्ट मिला है वो US मार्केट में ही मिला है 2021 तक, इसकी 38% जो है ना वहाँ पर इसकी, और ये हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि हमने उसी मार्केट से फ़ायदा उठाना है, ठीक है।
जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं उन्होंने मर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं मर्न की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने मर्न का भाई बूट कैंप किया, वैसे तो आई टी टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर है हाई टेक पे, तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन्होंने ऐसे ही तो मतलब जो है इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, तो जो आप बच्चों ने जो सीखा है उसका मतलब ये है कि आप लोगों ने बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी सीखी है, ये वो लोग यूज कर रहे हैं जो इस वक्त मार्केट के लीडर हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसलिए बताएंगे, अगर आईटी ग्लोबल ग्रोथ देखी जाए तो इस वक्त ये आपके सामने स्टैट्स हैं, ये आप आईटी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके पास कितने टिप्स पे हर, क्योंकि मैं भी पाशा का मेंबर हूँ तो आए दिन जो है वो रिसर्च हमारे सामने आ रही होती है, तो ये हमने वहीं से स्टैट्स मैंने वहीं से लिए थे कि मतलब इस तरीके से ये मार्केट जो है डे बाई डे ऊपर जा रही है, और आईटी का मुझे ये लगता है पर्सनली तौर पर मुझे लगता है जिससे भी मेरी बात होती है जो भी मेरा छोटा सा नॉलेज है उसके अंदर रहते हुए दायरे में रहते हुए मुझे ये समझ में आता है कि अगले 100 साल जो है ना वो आईटी के, मुझे ये लगता है मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक, हाँ ये जरूर होगा कि मतलब अभी हम चल रहे हैं तो हवा में खड़े हो जाए, मतलब आईटी के अंदर जब आप एआई का बहुत तेजी से एआई जिस तरीके से हम मार्केट के अंदर आ रहा है, रोबोटिक्स पे बात हो रही है, ऑटोमेशन पे बात हो रही है जितनी फास्टली हो रही है, तो इसका मतलब है कि मेरे ख्याल से 15-20 साल तक इतने जमीन के ऊपर इंसान नहीं होंगे जितने रोबोट और एआई चल रहा होगा, ठीक है। ये मुझे लगता है और ये इस वजह से लगता है क्योंकि मैं रिसर्च देखता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ, तो उस नॉलेज से जो मुझे अंदाजा होता है कि आपको अगले 15-20 साल में आपने कहाँ जाना है, तो उसमें से मुझे यही लग रहा है कि अगली एआई रोबोटिक्स और एमएल और यही सारी टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेड और यही चीज़ें चलेंगी, हाँ आईटी नहीं खत्म होता मुझे नज़र आ रहा है अगले 100 सालों में। अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ये बहुत ज़रूरी थी स्लाइड, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बस इसके बाद आखिरी स्लाइड है, क्योंकि ये चीज़ें बताना ज़रूरी थी क्योंकि आप स्टूडेंट्स जो हैं हमारे जो प्रोफेशनल रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं वो तो माशाल्लाह सबको इन चीज़ों का पता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ का बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने आगे ये जो पाकिस्तान का झंडा जो बीच में लगा हुआ है इसको आप लोगों ने उठाना है, हम लोग भी उठा रहे हैं, जितनी एज है जितनी जिंदगी है जितनी ताकत है वो करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन फ्यूचर आप हैं, हम गुजर रहे हैं आगे आप हैं, तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम अभी बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे। ये बड़ी सिंपल सी अभी आपको ना अपने रीजन में रहते हुए मैंने अपने नेबर्स में बताई है, अभी अगर आप दुनिया के 200 मुल्कों से मुकाबला करें तो फिर तो आप पता नहीं कौन से नंबर पे, 180 नंबर पे ही होंगे शायद। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है, स्पेशली आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने वो टेक्नोलॉजी सीख ली है, वो चीजें सीख ली हैं कि आप 150 बच्चे नहीं हैं, आप 150 फैमिलीज हैं जिनको आपने रन करना है और 150 फ्यूचर की कंपनीज हैं, आप लोगों ने आगे स्टार्टअप स्टार्ट करने हैं, आप लोगों ने आगे सर्व करना है इंडस्ट्री को, और शुरू में मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप जॉब ना करें, आप बिजनेस स्टार्ट करें, आप पहले इंटर्नशिप से स्टार्ट करें, आप उसके बाद इंडस्ट्री को सर्व करें, 3 साल कम से कम जॉब और इंटर्नशिप की शक्ल में सॉफ्टवेयर हाउसेस को दें ताकि आप वहां से सीखें, आपको वहां से चीजों का कम्युनिकेशन, क्योंकि खाली कोडिंग नहीं आती भाई, कोडिंग आना जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन बड़ा मैटर करती है कि आपने अपने क्लाइंट से कैसे बात करनी है, आपने गोरे को कैसे लेके चलना है, आपने उससे कितना क्या बात करनी है, मतलब आप 4 बंदों के दरमियान बैठे हुए हैं तो आपने वहां पर कैसे रिएक्ट करना है, ये कम्युनिकेशन आपको कंपनी सिखाती है, ये आपको कल्चर सिखाता है, ये आपको वहां का एटमोस्फेयर सिखाता है, ये आप स्टार्टअप की शक्ल में कभी नहीं सीख सकते, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा स्टार्टअप को, लेकिन क्योंकि मैं इन फेजिस से आया हूँ कि मेरा अपना स्टार्टअप है पीएमआर ट्रेनिंग सलमान और हमारा म्यूचुअल है, तो हम भी एक स्टार्टअप से, हमने पहले इंडस्ट्री को सर्व किया है, मैंने 10 साल इंडस्ट्री को सर्व किया है, उसके बाद जाके मैं अपने स्टार्टअप आया, तो फिर मुझे वो प्रॉब्लम्स नहीं हुई जो एक स्टार्टअप में, अब एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अभी मैं एक स्टार्टअप की लॉगिनिंग करके आया, उसने मुझे गेस्ट बुलाया, मतलब मेरा कजन है, तो उसने मुझे बुलाया, मैं कहा यार तूने तो एक पहली बात है कि इतना पैसा लगा लिया मेरे से पूछे बगैर, तो मैं पहले पूछता तो सही कि तूने करना क्या है, अब वही हुआ अगले दिन ही उसने मुझे कॉल की कि 2 दिन बाद पैसे नहीं है, वो मार्केटिंग कर रहे हैं तो क्लाइंट नहीं आ रहे, मैंने यार ये मैंने उसी वक्त कह दिया था, मैं उस वक्त डिस्करेज नहीं करना चाहता था कि तूने इतना पैसा लगा दिया, वो भी वालिद साहब का पैसा, तूने अपना नहीं कमा के, हमने तो अलहमदिल्ला भाई अपना लगाया, हमने किसी का नहीं लगाया, ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा अपना कमाया हम दोबारा भी देंगे तो हम दोबारा बना लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन तूने लगाई वालिद के आया जब तो तूने क्या स्टार्टअप स्टार्ट करना है, और अभी 2 दिनों बाद अब तू मेरे पास आ गया मुझे कह रहा है कि मैं क्या करूँ, ऐसे नहीं करना, आप लोगों ने गलती नहीं करनी, आपने पहले छोटे से स्टार्ट लेना है, छोटे स्टेप लेंगे अगर गिरेंगे भी ना तो चोट कम लगती होती है, बड़ा स्टेप लेंगे
तो फिर आप खुदा ना खास्ता आपकी हड्डी टूट गई, 6 महीने आप बेड पे होते हैं, तो यही चीज स्टार्टअप होता है। तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, क्योंकि मैं उसके ऊपर लेक्चर भी देता हूँ एंटरप्रेन्योर के ऊपर, तो मैं यही बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, उससे पहले आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों ने छोटा स्टार्ट लेना है, पहले कंपनीज के पास। ये जितने भी आपके सामने हमने अपने पैनलिस्ट मिलाए, ये आईटी के किंग है, ये अपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर, अपनी इंडस्ट्री के अंदर बहुत जबरदस्त सर्व कर रहे हैं, और इनका भी हम उनको भी सुनेंगे ऑब्वियसली। तो कहने का मकसद ये कि इनके पास जाएं, ये नेटवर्किंग सेशन इसीलिए रखा है, जब ये जाने इनको जाने नहीं देना आपने, सर को कहना सर कार्ड, जब कार्ड देंगे तो आपने बाहर जाना है, तो इनको आपने पकड़ लेना है, ठीक है, हमने इन लोगों को आज बंद कर देना आप लोगों के पास, तो इनको आपने पकड़ लेना है कि सर मुझे बताएं, मुझे मेंटोरशिप दें, मैं आपके पास आता हूँ सर मुझे इंटर्नशिप दें, और यही सर मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, ये जो हमारे रिसोर्सेज जो हमने तैयार किए हैं, ये एक एक सिस्टम से निकले, ठीक है, आप इनको मेरिट बेस के ऊपर आप लोग इनको देख सकते हैं और अपनी कंपनी के अंदर हायर कर सकते हैं। तो हमारा मकसद ये इको सिस्टम भी डेवलप करना है, विद इस समिट का, हम चाहते थे उनको सर्टिफिकेट यहाँ दे के गुड बाय कर सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे, हम ये चाहते थे कि हमारा जो मकसद है इको सिस्टम की, जो हमारा बंदा बात करता है इको सिस्टम ब्रिज, ये सारे वर्ड बहुत अच्छे बोलते हैं लोग, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होती है, ये बड़ा मसला है। तो ये एक्चुअली में समझ लें हमारा एक छोटा सा उसके ऊपर एक स्टेप है, तो इसके हवाले से भी बच्चों ने आप लोगों ने इनसे मिलना है, इसी नेटवर्किंग की बेस के ऊपर आगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर आप अपने स्टार्टअप में जाइए। मैं ये नहीं आपको डिस्करेज कर रहा, आप छोटे मोटे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट से लाजमी काम करें, साथ इंटर्नशिप, फिर जॉब, 3 साल मार्केट को देने हैं, सर्व करने हैं, फिर आपने अपना जो है ना स्टार्टअप स्टार्ट करना, फिर ही आप किसी अच्छी जगह पे जा सकेंगे। अदरवाइज आप अगर आप डिफरेंस देखें तो वो हाथी और चूंटी का ही है मुकाबला कोई नहीं है भाई, सीधी सी बात है। हम क्या कर रहे हैं, ये एक विजन है, ये सारी बात की बातें हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं बहरहाल डिफरेंट, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इन टाइम मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगा अपने स्टूडेंट्स को कि मेहनत करें, हिम्मत नहीं हारनी, फेयरनेस लाइफ जिए, कोऑप तो वैसे ही ख़त्म कर देना, कोऑप तो होना ही नहीं चाहिए, दुनिया में कोई भी आपके सामने प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा होना, आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ओके रखना, उससे इंस्पायर नहीं होना। देखिए कभी भी किसी बैंक चीज़ पर आपको बताऊँ, कभी भी पर्सनैलिटी से इंस्पायर नहीं होते होते, हाँ उसके काम से इंस्पायर होते, पर्सनैलिटी से इंस्पायर नहीं होना, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अल्लाह ताला ने परफेक्ट बनाई है, बेस्ट है, आप जैसे भी हैं बेस्ट है, हाँ उसके अच्छी चीज़ों से, उसके विजन से, उसके काम से इंस्पायर हों, जो करने वाला काम है, और यही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, उन्होंने ये चीज़ें करके दिखाई, पर्सनैलिटी वो थे, गुड लुकिंग वो थे, खूबसूरत वो थे, माशाल्लाह मतलब उनसे अच्छा तो खूबसूरत इंसान ही दुनिया में कोई नहीं होगा, लेकिन उनने स्टेप करके दिखाए, जंग लड़नी है ऐसे लड़नी है, पेरेंट्स को ट्रीट करना है ऐसे करना है, मतलब एक्शंस एक्शंस को कॉपी करना होता है, ठीक है। तो इसके साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सर अगेन अली भाई आपका कॉन्फ्रेंस देने का बहुत शुक्रिया, मैं सुनूँ आपका भी शुक्रिया।